रुकिए माय लॉर्ड। आप कौन है और कोर्ट की कार्रवाई रोकने की गुस्ताखी कैसे की आपने? मेरा नाम कादंबरी पटेल है, मैं जून पटेल की असली माँ हूँ। का मैसेज, कादंबरी कोर्ट में आ गई है और सून की कस्टडी मांग रही है। क्या हुआ राजेंद्र जी? आशा का मैसेज आया है, कादंबरी सून की असली मां कोर्ट आई है, उसे वापस ले जाने के लिए उसकी कस्टडी मांग रही है। बच्ची को जन्म देने के बाद मेरी क्लाइंट बहुत हताश हो गई थी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये बिल्कुल अकेले थी, थक चुकी थी, हार चुकी थी। पिछले 6 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा ना हो। एक एक पल कैसे गुजरा है ये सिर्फ ये ही जानते हैं। शहर के चप्पे चप्पे में इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा है। सब क्या है और हम अब आगे क्या करेंगे? हार रितेश पुत्र, आ तो बिल्कुल तेरी फिल्मों की तरह ट्विस्ट आ गया। रितेश दीप, चाचू हमारे लॉयर से बात कर रहे हैं, लेकिन लॉयर को तुझसे भी एक पर्सनल मीटिंग करनी इस कादंबरी के मैटर को लेकर। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कादंबरी जून की मां कैसे हो सकती है। रितेश जो भी है, जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता ना, तू उस कादंबरी से बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर की ना चालाक औरत है। पता नहीं तेरी कौन सी बात मैनिपुलेट करके कोर्ट में तेरे खिलाफ यूज कर ले फिर। रितेश और एक इम्पोर्टेंट बात, कादंबरी की लॉयर अडॉप्शन केसेस में बहुत ही माहिर है ब्रो, वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। आजकल बड़े तू अकेले अकेले मास्टर प्लान्स बना रही है ना डॉली, क्या हुआ गिर गई ना मुंह के बल? क्या कादंबरी सच में जून की माँ है? इंदु, हाँ उस रात क्या हुआ था? उस रात बस में क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। इंदु क्या हुआ था उस रात? इतने बड़े कांड के बाद तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठ के तुम्हें सारी डिटेल दूंगी? इंदु मेरा साथ जा। प्लीज रितेश तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये सब जानने का, होती कौन हो तुम? और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना उस दिन तुम सीए में कंप्लेंट करते हो, ना ही आज ये नौबत आती, ना वो कादंबरी आज यहाँ आती और ना ही वो मुझे अपने बच्चे जीने की धमकी देती। इंदु मेरी बात, रितेश बस हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें यहाँ बैठ के सारी डिटेल्स देने का, मुझे अपनी लॉयर से बात करनी है। और एक बात डिसाइडेड है रितेश, ना जून तुम्हारे पास आएगी और ना ही उस कादंबरी के पास जाएगी। जून मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। इंदु, रितेश अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर हमें कादंबरी को कोर्ट में टक्कर देनी है तो हमें इंदु को अपनी तरफ करना ही होगा, जाके मिल ले उससे एक बार। डोंट वरी कादंबरी, या ऑफ कोर्स जून की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी। हाँ मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुमसे मिलने, फिर केस का आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। तू पहले से जानता है कादंबरी को, इसीलिए कोर्ट में तुम लोग का आंख में टक्का चल रहा था। ये स्कॉलर क्या है, गेम क्या है, क्या वो सच में जून की माँ है? अरे रितेश छोड़ उसे, क्या जानता तू? रितेश छोड़ उसे, मैं उस बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ और तू उसकी जिंदगी खराब कर रही है। रितेश नहीं, कादंबरी उसकी असली माँ है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। और एक माँ के साथ एक बच्ची की जिंदगी खराब नहीं होती है, क्योंकि कादंबरी कमी नहीं है एक नंबर की। दिमाग खराब हो गया तेरा, दिमाग तेरा खराब हो गया रितेश। कादंबरी बहुत सॉर्टेड है और केपेबल है अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। तू अनजान बच्ची की वजह से अपना करियर खराब कर रहा है पूरा। क्या रिश्ता दे रहे इंदु से,
क्या लगती है जून तेरी? एक तेरी फैन है और दूसरी उसकी माँ है। रितेश लाखों करोड़ों फैन है तेरे इस देश में, सबको घर पे ले आएगा? नहीं ना, जाके शक्ल देख अपने आईने में। ये न्यूज अगर मीडिया में बाहर आ गई ना तो लोग पागल बोलेंगे तुझे, जालिम बोलेंगे कि सुपरस्टार रितेश अपने ऑब्सेशन के चक्कर में एक बच्ची को अपनी माँ से अलग कर रहा है। माँ ने मुझे ये चुन्नी अपने आशीर्वाद के रूप में इसीलिए दी ताकि मेरी आंखें खुल सके, मैं ठीक तरीके से सोच पाऊं कि जून के लिए सही क्या है, मैं दो कदम पीछे हटके ये सोचूं कि उस बच्ची को किस में खुशी मिलती है, और अगर जून इंदु को चाहती है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं यार। मैं वादा करता हूं मां, अगर जून के लिए इंदु उसकी माँ है तो जून की माँ इंदु ही रहेगी। मैं इंदु की पूरी मदद करूंगा ताकि जून की कस्टडी उसे मिल सके। मुझे इंदु से मिलना है। बहुत प्यार करते हैं। सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।